खबरों पर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले टॉप 20। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, दोनों ओर से फायरिंग चल रही है। पुलवामा के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 10 में से 4 विधायक बनाए जाएंगे मंत्री, सूत्रों के हवाले से खबर। गोवा सरकार में कुल 12 मंत्री हैं, सूत्रों के मुताबिक उनमें से निर्दलीय कोटे के अलावा कुछ और मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। कर्नाटक के जेडीएस और कांग्रेस के बागी विधायक मुंबई से बेंगलुरु लौटे, वापसी से पहले सिद्धिविनायक के दर्शन भी किए। कर्नाटक संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के बांधे हाथ, मंगलवार को अगली सुनवाई, तब तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश। कर्नाटक मामले पर राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी पैसे और पावर का इस्तेमाल कर सरकारें गिरा रही है। राहुल के आरोप पर सुब्रमण्यम स्वामी का पलटवार, कहा कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। तिब्बत पर चीन का नया पैतरा, 6 जुलाई को लद्दाख के फुकचे में सादी वर्दी में चीनी सैनिकों ने दिखाए बैनर। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना पीएलए के जवान सादे कपड़ों में एसयूवी पर सवार होकर सीमा के करीब पहुंचे, अपने देश का झंडा लहराकर उकसाने की कोशिश की। चीन के सैनिक करीब 30 से 40 मिनट तक रुके, सूत्रों के मुताबिक सीमा के करीब भारतीय सैनिकों ने आगे नहीं बढ़ने दिया, फिर वापस चले गए। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की तैयारी में जुटा इसरो, 15 जुलाई को सुबह लगभग 2:51 पर चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला दुनिया का पहला मिशन चंद्रयान 2 करीब 2 महीने के बाद 6 से 7 सितंबर को चांद पर लैंड करेगा। भारत से बीफ निर्यात बैन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा विदेश व्यापार नीति 2015-20 के मुताबिक भारत से बीफ निर्यात बैन, राज्यसभा में दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में रेलवे की कॉलोनी में बम फेंके गए, आरोपी फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हुगली के आरामबाग में एक दुकान के सामने जय श्री राम बोलने पर बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, भीड़ ने पुलिस पर भी किया हमला, ईंट लगने से 2 पुलिस वाले घायल। पानी बचाने का संदेश देने के लिए कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने की पदयात्रा, 5 किलोमीटर की जल बचाओ यात्रा के जरिए जल संरक्षण के प्रति जागरूकता की कोशिश। गुना घोटाले में लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, देवघर ट्रेजरी में अवैध निकासी के मामले में 50,000 के 2 मुचलकों पर मिली जमानत। पानी की कमी से परेशान चेन्नई को आज मिली बड़ी राहत, जोलरपेट से 50 वैगन ट्रेन 2.5 मिलियन लीटर पानी लेकर पहुंची। अमरनाथ यात्रा के 12वें दिन 13,004 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन, अभी तक 1,57,062 श्रद्धालुओं ने की पवित्र गुफा में पूजा।